दोस्तों आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड में आई बहुत सी ऐसी अदाकारा रही जिनका ख्वाब था एक ऐसे यहाँ पर मंच पर पहुंचने का जहां उनके फैंस की तादाद हो करोड़ों में और पैसा भी उनके पास भरपूर हो। लेकिन यहाँ इनके अलावा इनका ख्वाब था काम करने का भी, क्योंकि ये सब चीजें काम से ही तो मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई फीमेल सेलिब्रिटी ऐसी हैं जो ये साबित करती हुई सामने आई हैं कि काम हो या ना हो हम पॉपुलैरिटी पाना बखूबी जानते हैं और पैसा किस तरीके से कमाना है ये भी बखूबी जानते हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना काम किए भी किस तरीके से कुछ फीमेल आर्टिस्ट ऐसी हैं जो खूब पैसा कमा रही हैं और ऐश की जिंदगी जी रही हैं। इनका नाम है सोफिया हयात, राखी सावन, शर्लिन चोपड़ा और आती हैं पूनम पांडे भी इस लिस्ट में। चलिए बात करते हैं इन चारों फीमेल सेलिब्रिटीज की। लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं पूनम पांडे की। सोशल मीडिया पर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से ये हमेशा ही छाई रहती हैं। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को कौन नहीं जानता। पूनम पांडे अपनी करियर की शुरुआत में फिल्म नशा में दिखाई दी थी। उसके बाद पूनम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा में भी दिखाई दी, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर मौजूद थे और दोनों का रोमांस भरपूर नजर आया था। सभी जानते हैं कि पूनम के आसपास रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह हैं जो कि लाइमलाइट बटोरना बखूबी जानते हैं। लेकिन पूनम के पास कोई भी काम नहीं और ऐसे में वो कमाई के मामले में बाकी अभिनेत्रियों को फिर भी मात दे देती है। पूनम की ज्यादातर कमाई एड और मॉडलिंग से होती है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक एडल्ट वेबसाइट भी यहाँ शुरू की है जिसमें वो अपनी हॉट वीडियोज को शेयर किया करती हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में सोफिया हयात की। मॉडल और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात को मीडिया में बने रहना बखूबी आता है। कुछ सालों पहले सोफिया नन बनकर शारीरिक संबंध पर लंबे चौड़े बयान देती हुई भी नजर आई, फिर शादी कर सबको उन्होंने चौंका दिया। सोफिया हयात पेशे से एक मॉडल है, एक्ट्रेस है, उनकी कमाई भी इसी तरह से होती है, तो वहीं छोटे मोटे इवेंट से भी वो खूब कमाती हैं। अब आती हैं अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत। इनके करियर की शुरुआत बेशक फिल्म से हुई हो, लेकिन बॉलीवुड में इनका सिक्का अगर चल पाया तो वो आइटम सॉन्ग और इनके डांस की वजह से ही। लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये नहीं हो पाई, गिनी चुनी ही इन्होंने फिल्में की और आइटम नंबर कर धीरे धीरे अब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो चुकी है। राखी सावंत स्टेज शोज किया करती है और इससे मोटी रकम उठाती है। इतना ही नहीं, इसी कमाई से राखी एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रही हैं और करोड़ों की कमाई उनकी हुआ करती है। हर दिन किसी न किसी बयान को लेकर वो सुर्खियां बटोरती हैं। अब आती हैं इस लिस्ट में शर्लिन चोपड़ा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी बोल्ड एक्ट्रेस की बात हुआ करती है तो शर्लिन चोपड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शर्लिन चोपड़ा अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने विवादित बयानों और न्यूड तस्वीरों की वजह से ही सुर्खियों में रही। शर्लिन चोपड़ा ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई, लेकिन सिक्का नहीं चल पाया। लेकिन अपनी बोल्डनेस से वो जरूर कामयाबी बटोर रही थी। इसके अलावा वो टीवी की दुनिया में भी यहाँ चर्चित शो बिग बॉस में दिखाई दी, यहाँ पर भी उनका सिक्का खास नहीं देखा गया। शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड में यह बात कर सभी को चौंका दिया था कि वो पैसों के लिए किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकती हैं और अपने एडल्ट साइड की वजह से ही आज वो खूब पैसा कमा रही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।